नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने फसल विविधता या गहनता के संबंध में चर्चा की। आज कृषि भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय फसल विचित्रता या सस्य वैविध्य के बारे में हम बात करेंगे। हमने फसल गहनता के बारे में बात की, इसका तात्पर्य एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, उसको उसके अंतर्गत हम शामिल करते थे। आज जो विषय हम पढ़ रहे हैं फसल वैविध्य या फसल विचित्रता, उसका तात्पर्य एक समय विशेष में किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की जो संख्या होती है उसको हम फसल विचित्रता का नाम या सस्य वैविध्य का नाम देते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु की अनुकूलता या वहाँ के जो भौतिक दशाएं हैं, वहाँ की आर्थिक दशाएं हैं, वहाँ की सामाजिक दशाएं हैं, वो इसको मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। क्योंकि यह कृषि क्रियाओं के गुणन का सूचक होता है, जिससे विभिन्न जो फसलें होती हैं उनके बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा का पता चलता है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा जितनी अधिक होगी, वहाँ पर फसल विचित्रता का जो मान होगा वो उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए कोई हमारे पास एक एकड़ क्षेत्र है और वहाँ पर हमने एक समय 10 फसलों का हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उनका अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पर फसल विचित्रता का जो मान है वो सर्वाधिक या अधिक होगा। इसके विपरीत अगर हम एक धान्य फसल का उत्पादन एक समय में कर रहे हैं तो वहाँ पर चूंकि प्रतिस्पर्धा कम होगी और वहाँ पर फसल विचित्रता का जो मान है वो भी अल्प या कम हमारे सामने आएगा। यहाँ फसल विचित्रता की हम बात करते हैं तो चूंकि फसल विचित्रता में जो मौसमी अंतर होता है उसका भी प्रभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है या पाया जाता है। फसल विचित्रता वर्तमान में स्थिर एवं आधुनिक जो कृषि है, कृषि पद्धति है, उसकी प्रमुख विशेषता है, जिसके प्रोत्साहन में सिंचाई की सुविधा, उर्वरक, कीटनाशक, जो दवाइयां हैं, उन्नत बीज हैं और आधुनिक जो कृषि के यंत्र हैं उनके प्रयोग का फसल विचित्रता में विशेष योगदान रहा है। क्योंकि हम एक ही समय में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन एक क्षेत्र विशेष में कर रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता और पारंपरिक जो कृषि पद्धति है, हम देखते हैं हमारे भारत देश में मौसम की या बरसात की अनिश्चितता यहाँ पाई जाती है। कभी तेज बारिश हो जाती है, कुछ कहीं कोई वर्ष बारिश बहुत कम होती है। भारत के आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पारंपरिक कृषि व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, या वर्तमान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धन किसान हैं जिनके पास कम जमीन है वो आज भी पारंपरिक कृषि पद्धति को अपनाते हैं। तो इसके कारण से भी कृषक जो कृषि प्रतिरूप में विविधता को या विचित्रता को अपनाने का प्रयास करता है। सामान्यतः इसके परिणामों में अगर मापों की संख्या महत्वपूर्ण होती है, जिसके साथ अभीष्ट क्षेत्र में
उनके द्वारा अपनाए गए क्षेत्र का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। अब मान लीजिए यदि किसी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की कुल संख्या 10 है, अभी हमने इससे पहले भी बात की, एवं प्रत्येक फसल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा प्रत्येक फसल के अंतर्गत आता है, तो सस्य विचित्रता या सस्य विविधता या फसल विचित्रता का जो परिणाम होगा वो सबसे अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत यदि एक ही फसल का विस्तार पूरे क्षेत्र में है तो वहां कृषि विचित्रता का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी उस क्षेत्र में एक फसल विशेष का एक फसल विशेष उस क्षेत्र में उगाई जा रही है या बोई जाती है तो वहां पर फसल विचित्रता का जो मान होता है वो 0 होता है। भारत के संदर्भ में फसल विचित्रता की अगर बात करते हैं तो भाटिया ने 1975 में फसल विचित्रता का सूचकांक ज्ञात करने का एक सूत्र हमारे सामने रखा और वो सूत्र है फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत बटा फसलों की संख्या। यानी फसलों के अंतर्गत कुल जो फसलें हैं उनके अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है और उसमें हम भाग देते हैं जो उस क्षेत्र में फसलों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या का हम भाग देते हैं तो वहां पर हमारे सामने फसल विचित्रता का जो सूचकांक है वो प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जसवीर सिंह ने 1976 में हरियाणा राज्य में फसल विचित्रता ज्ञात करने के लिए वहां अध्ययन किया और अध्ययन के लिए उन्होंने एक सूत्र स्थापित किया जिसके माध्यम से उन्होंने सस्य विविधता सूचकांक हरियाणा प्रदेश का ज्ञात किया। इसके अंतर्गत सस्य विविधता का जो सूचकांक ज्ञात करेंगे फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत, इसमें हम फसलों की संख्या का भाग देंगे। यानी फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत उसके अंतर्गत आ रहा है और वहां पर कितनी फसलें उत्पादित हम एक समय विशेष में कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने जसवीर सिंह ने हरियाणा प्रदेश में जो सस्य विविधता सूचकांक है वो इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने ज्ञात किया। और इसी आधार पर अगर हम यहाँ एन फसलों की संख्या को सम्मिलित करते हैं, उन्हीं फसलों की संख्या को सम्मिलित करते हैं जो सकल सस्य क्षेत्र में 5% या उससे अधिक भाग में बोई जाती है, यानी 5% या उससे अधिक क्षेत्र में अगर कोई फसल बोई जाती है तो हम वहाँ फसलों के अंतर्गत उनकी संख्या रख सकते हैं। तो इस आधार पर जो जसवीर सिंह ने सस्य विविधता सूचकांक ज्ञात किया, इसी आधार पर जसवीर सिंह ने भारत को 3 सस्य विविध प्रदेश में विभाजित किया और ये 3 सस्य विविध जो प्रदेश है वो उच्च विविध प्रदेश, उच्च विविध प्रदेश, मध्यम सस्य विचित्रता प्रदेश, मध्यम और तीसरा निम्न सस्य विविध प्रदेश। जो सस्य विविधता जो सूचकांक है 10 से ज्यादा, तो उसके आधार पर हमने उच्च विविध प्रदेश में जहां सूचकांक 10 आ रहा है उनको शामिल किया, मध्य में 15 से 25 जो सूचकांक आता है
उसको हम मध्य सस्य वैविध्य प्रदेश में शामिल करते हैं। और हमारे पास अगर सूचकांक 25 से अधिक आ रहा है तो हम उनको निम्न सस्य वैविध्य प्रदेश में शामिल करते हैं। जब हम उच्च सस्य वैविध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य बिहार, दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक, दक्षिण केरल, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर को इनमें हम शामिल करते हैं। क्योंकि पंजाब और हरियाणा में उच्च जो कृषि तकनीक है, विकसित कृषि यहाँ संपन्न की जाती है, जबकि अन्य में कृषि पद्धति और भौतिक दशाओं में उच्च वैविध्य को प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में उच्च सस्य वैविध्य सूचकांक पाया जाता है या मिलता है। मध्यम सस्य विचित्रता की अगर बात करते हैं, सूचकांक 15 से 25 के मध्य इनमें होता है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु इन क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल करते हैं। जबकि निम्न सस्य विचित्रता वाले जो प्रदेश हैं, जहां पर सूचकांक 25 से अधिक आता है, यहां हम असम यानी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जिनमें असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर के साथ पश्चिमी बंगाल, उत्तर दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान को इस प्रदेश में हम शामिल करते हैं। क्योंकि तटीय जो क्षेत्र है वहां पर धान्य कृषि की प्रधानता हमें देखने को मिलती है या पाई जाती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की फसल की प्रमुखता देखने को मिलती है या पाई जाती है। ये सस्य विशेषीकरण मुख्य रूप से भौतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारक होते हैं, साथ साथ जलवायु के जो कारक होते हैं, उनके कारण से यहाँ कम या अल्प सस्य वैविध्य सूचकांक पाया जाता है। एक फसल विशेष का अधिकार या विशेषीकरण इन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इस कारण यहाँ पर निम्न सस्य विचित्रता मिलती है। फसल विविधता के लिए मुख्य रूप से जैसे हम मृदा की बात करते हैं, ऐसे समतल धरातल की बात करते हैं, अनुपयुक्त जलवायु की बात करते हैं और किसानों के निम्न स्तर के कारण क्षेत्र विशेष में फसल विविध्य मिलता है। जहां धरातल समतल, मृदा उर्वरक, सिंचाई के उत्तम साधन मिलते हैं, परिवहन की सुविधा मिलती है, बाजार की सुविधा मिलती है, वहां पर फसल उत्पादन में विशिष्टता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों में फसल विचित्रता भारत में देख सकते हैं और साथ ही हमारे सामने फसल गहनता और फसल विचित्रता की हमने बात की। आगे हम भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।